कांग्रेस ने चुनाव में अपनी पूरी ताकत न्याय स्कीम को लोगों तक पहुंचाने में झोंक दी है। उसका चुनावी नारा अब होगा न्याय भी इस स्कीम की टैगलाइन माना जा रहा है, जिसे लोगों तक पहुंचाने के लिए कांग्रेस की तरफ से गाना भी लॉन्च किया गया। इस गाने की थीम उसके चुनावी नारे पर ही रखी गई है। अन्याय मिटाने के लिए उठा मैं एक तूफान हूं, मैं ही तो हिंदुस्तान हूं, अब होगा न्याय। प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय जब से गाना लॉन्च किया गया तो कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला और पवन खेड़ा उत्साहित दिखे। मैं ही तो हिंदुस्तान हूं, अब होगा न्याय। रणदीप सुरजेवाला ने बताया कि इस गाने को चुनाव आयोग की मंजूरी के बाद ही लॉन्च किया गया है। हालांकि न्यूज 18 के पास जानकारी है कि कांग्रेस के अब होगा न्याय गाने के कुछ शब्दों पर चुनाव आयोग को आपत्ति थी। खबरें हैं कि कांग्रेस के चुनावी गाने में पहले नफरत और भाई से भाई को लड़ाके जैसे शब्द थे, जिस पर चुनाव आयोग ने आपत्ति जताते हुए इन शब्दों को हटाकर गाना लॉन्च करने के निर्देश दिए। कांग्रेस ने जो गाना लॉन्च किया है उसमें नफरत शब्द अब कहीं नहीं है। जानकारी ये है कि मशहूर गीतकार जावेद अख्तर ने इस गाने को लिखा है और नफरत शब्द भी उन्होंने ही डाला है, जिसे अब कांग्रेस ने अपने गाने से हटा लिया है। उसका दावा है कि ये गाना ही उसकी न्याय स्कीम को देश के लोगों तक ले जाएगा। कांग्रेस ने अपने चुनावी नारे को लोकप्रिय बनाने के लिए 500 ट्रकों को भी देश भर में भेजने की रणनीति बनाई है। इन ट्रकों पर उसका चुनावी नारा और राहुल गांधी की तस्वीर होगी। ट्रक के बाहर कांग्रेस का जो पोस्टर है उसमें आप देख सकते हैं 72,000 हर साल हर गरीब परिवार को दिया जाएगा। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने बताया कि ये ट्रक देश की सभी लोकसभा सीटों के चक्कर लगाएंगे। कांग्रेस को उम्मीद है कि इससे चुनाव में उसे काफी मदद भी मिलेगी। जिस प्रकार से रोजगार और रोटी का के लिए मारो मार है, उन सब अन्याय के खिलाफ अब होगा न्याय। कांग्रेस ने बीजेपी से पहले अपने चुनावी नारे और घोषणा पत्र को जारी करके बाजी जरूर मार ली है, लेकिन इस तरह के प्रचार में बीजेपी भी माहिर मानी जाती है। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि वो इस चुनौती से निपटने के लिए भी तैयार है। उसने सोशल मीडिया के लिए कई ऐसे वीडियो बनाए हैं जो उसके चुनावी नारे अब होगा न्याय को धार देने का काम करेंगे। जिन्होंने भारत को दुनिया में मान दिला, जिन्होंने हर देशवासी के दिल में घर बसाया, आज वक्त है फिर से उन्हें चुनने। कांग्रेस ने अपने कैंपेन में अलग अलग क्षेत्र के लोगों और मुद्दों पर काफी ध्यान दिया है। हालांकि प्रचार की इस जंग में उसका मुकाबला बीजेपी से होगा।